सभी साथियों का स्वागत है। आज हमारे साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे सीमांचल इलाके के लिए क्या कुछ सोचते हैं। सीमांचल एरियाज़ की अगर बात करें तो ये लोग खास करके सीमांचल में बहुत पहले से ही मेहनत कर रहे हैं और पार्टी को इस मेहनत का फल भी मिल रहा है। यहाँ पर सीमांचल की अगर बात करें तो किशनगंज विधानसभा से बाई इलेक्शन में इन्होंने एक सीट भी निकाला है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने बहुत हद तक पीछा किया था, लेकिन कुछ कमी के कारण इन लोगों को मात देना पड़ा। तो ऐसे में जानेंगे इनके साथ आज क्या कुछ सोचते हैं आगे चुनाव को लेकर के, क्या कुछ तैयारियां हैं। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत सलाम अलैकुम। खबर सीमांचल के तमाम सब्सक्राइबर को आदाब सलाम, और हम खबर सीमांचल का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने खबर सीमांचल को ताजगी देने में खबर सीमांचल ने एक अहम रोल अदा किया। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तरफ से भी। बहरहाल अगर चुनाव पर बात करें तो चुनाव को लेकर के क्या कुछ तैयारियां चल रही है सर आप लोगों की? पूरी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि रियासती सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने पिछले साल ही सितंबर में पटना में उन्होंने घोषणा कर दी थी, इस बार इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे बिहार में चुनाव लड़ेगी। हम लोग दो तीन तरीके से चुनाव लड़ेंगे। एक, चुनाव कैंडिडेट अपना उतारेंगे, उसके बाद दूसरा तरीके से हम, अगर कोई दल रहेगा उससे अलायंस होगा, सीट एडजस्टमेंट होगा, उस पर हम कराएंगे। तीसरा कि हम किसी को सपोर्ट देंगे। तो ये प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय रहेगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार का 243 सीट पे इस बार चुनाव लड़ेगी। कहीं ना कहीं आप लोग सोचते हैं कि अलायंस होकर भी हम चुनाव लड़ सकते हैं? अलायंस हम चाहते हैं, क्योंकि जिस वीआईपी पार्टी का एक सीट नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी का एक सीट नहीं, उसको जब महागठबंधन ले सकता है, तो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे सीमांचल की एक आवाज़ बन गई है और बिहार के नौजवानों की, मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासी भाइयों की, सबकी आवाज़ है। और अपर कास्ट में भी बहुत हम लोग का अच्छा मैसेज है, क्योंकि आज बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था और संविधान की आज वकालत कोई कर रहा है उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। इसलिए, और अकबर साहब ने जो लॉकडाउन में काम किया है, जो खिदमत किया है, वो पूरा हिंदुस्तान ने देखा है कि कोई एमएलए उनके टक्कर का नहीं है। जो अकबर साहब ने काम किया, जो मदद किया लोगों का, घर पहुंचा के राशन दिया, मैं उस दोनों लीडर को सलाम करता हूं। मैं सालारे मिल्लत और फकरे मिल्लत को सलाम करता हूं कि उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नींव रखी। बहरहाल अगर एक तरह से सोचा जाए आदिल भाई कि आप लोग अगर अलायंस करने की सोच रहे हैं, तो ऐसे में आपकी पार्टी का विचारधारा कुछ अलग है, लेकिन महागठबंधन जो पार्टी है उनकी विचारधारा कुछ अलग है, तो ऐसे में आप लोग क्या चाहेंगे, किसके साथ आपका अलायंस करना ठीक रहेगा? कौन बोलता है हम लोग का विचारधारा अलग है? हम माई समीकरण की बात नहीं करते, हम किसी एक समुदाय की बात नहीं करते। अगर वीआईपी पार्टी का देख लीजिए तो एक जात की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी देख लीजिए तो ज़्यादातर एक जात की पार्टी है, लालू जी की पार्टी का देख लीजिए, माई समीकरण की बात करते हैं। हम लोग तो सबको दावत दे रहे हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सभी लोगों का दावत है, सभी लोगों का इस्तकबाल है MIM में, जो सीमांचल का फलाह चाहते हैं, जो बिहार की तरक्की चाहते हैं, जो बिहार में 40 साल कांग्रेस का मिसरूल, 15 साल राजद का मिसरूल, 15 साल भाजपा और जदयू का मिसरूल से त्रस्त है, तमाम बिहार के नौजवानों का, सीमांचल के नौजवानों का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में दावत है। और आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब की क़यादत पूरे हिंदुस्तान में है, और उसके बाद बिहार में एक सबसे बेबाक चेहरा, ईमानदार चेहरा, मुखलिस चेहरा, जो जिसने त्याग का मिसाल दिया, अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत है। आइए हम मिलकर पूरे बिहार को, और ख़ासकर सीमांचल, चाहे बहादुरगंज हो, ठाकुरगंज हो, कोचा दामन हो, किशनगंज हो, जोकी हो, नरपतगंज हो, फारबिसगंज हो, रानी हो, सिकटी हो, पलासी हो, धमदा हो, रुपैली हो, बायसी हो, अमोर हो, कदवा हो, कोड़ा हो, बलरामपुर हो, प्राणपुर हो, कटियार हो, मनिहारी हो, पूरा मेरा सीमांचल का 24 विधानसभा, सीमांचल की नौजवान गयूर आवाम से मैं मुद्दमाना अपील करता हूँ कि याद रखिएगा, आपके साथ सब ने ठगा है। आज बाढ़ आपके घरों में, बाढ़ का पानी घुसा तो कोई राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को चिंता नहीं है, नरेंद्र मोदी जी को चिंता नहीं है, सुशील मोदी जी और नीतीश जी को चिंता नहीं, अगर चिंता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, अख्तरुल ईमान साहब को, अकबर साहब को, क्योंकि 2016 में जब आपके घरों में बाढ़ आया तो बैरिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाया, अकबर साहब ने रिलीफ मटेरियल भेजा, 2017 में जब बाढ़ आया तो फिर बैरिस्टर साहब ने आवाज़ उठाया, अख्तरुल ईमान साहब लगातार आपके बीच रहे, और 2017 में अकबर साहब ने मेडिकल टीम भेजा। हर दिन, अगर हर दुख मुसीबत में, महानंदा बेसिन की लड़ाई बैरिस्टर साहब ने किया, AMU किशनगंज का मुद्दा था, बैरिस्टर साहब ने, अख्तरुल ईमान साहब ने, इंजीनियर आफ्ताब साहब ने, सब मिलकर HRD मिनिस्टर से पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन उठाया, HRD मिनिस्टर पर भी हमने दबाव दिया, तो सब हम आपके सामने, हम तो खुली किताब है, आपको सब ने ठगा है। अगर आपको
आवश्यकता है कि सीमांचल का विकास के लिए, क्योंकि सीमांचल को जब तक स्पेशल स्टेटस नहीं मिलेगा, सीमांचल को जब तक इकोनॉमिक पैकेज नहीं मिलेगा, सीमांचल का विकास नहीं हो सकता है। हम लोग को चीफ मिनिस्टर और डिप्टी सीएम मंत्री बनने का तर्जा नहीं है, हम लोग चाहते हैं कि सीमांचल को उसका हक मिले, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में सीमांचल के लिए आवाज़ उठाया, स्पेशल पैकेज के लिए भी उठाया और स्पेशल स्टेटस के लिए भी उठाया। उसी की लड़ाई अख्तर उलीमान साहब बिहार में लड़ रहे हैं। मैं सीमांचल वासियों से और बिहार के वासियों से भी खुले मन से दावत दे रहा हूँ कि मैं सीमांचल हमारा किला रहेगा, लेकिन हम मिथिलांचल भी इंशाल्लाह जाएंगे, हम चंपारण भी जाएंगे, हम शाहबाद भी जाएंगे, हम मगध भी जाएंगे, हम पटना भी जाएंगे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे बिहार में जाएगी। मैं सभी जात धर्म के लोगों को दावत दे रहा हूं, एक सिपाही होने के नाते पार्टी का आइए। हमारे राकेश यादव जी बरारी से, उनका भी स्वागत है। हमारे पार्टी में संतोष चौधरी उनका भी जी का भी स्वागत है। हमारे पार्टी के डॉक्टर तारा स्वेता जी उनका भी स्वागत है। हमारे पार्टी के कंचन देवी जी उनका भी स्वागत है। हमारी पार्टी की मिसेज मरंडी जो आई हैं उनका भी स्वागत है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो खुले खुले तन खुले मोहब्बत शफकत से बुला रही है, आओ मिलकर सीमांचल का विकास करेंगे और बिहार में एक नई तारीख लिखेंगे। सीमांचल फैसला करेगा तभी पटना की सरकार सचिवालय में फैसला होगा। अब सीमांचल का मुस्तकबिल सीमांचल की आवाम फैसला करेगी, बहादुरगंज की आवाम अपना फैसला करेगी, ठाकुरगंज की आवाम अपना फैसला करेगी। अब पटना और दिल्ली की मोहताजी नहीं रहेगी, सीमांचल अपना निर्णय खुद लेगा इंशाल्लाह। जब आप डॉक्टर तारा श्वेता आर्या के बारे में बात किए तो ऐसे में सोशल मीडिया पे अभी एक डॉक्टर तारा आर्या श्वेता को लेकर के पार्टी से नाराजगी की बात चल रही है, तो ऐसे में क्या कुछ सच्चाई है ये? इसकी मुझे जानकारी नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष खुद किशनगंज में है, डॉक्टर तारा जी हमारी पार्टी की जिला अध्यक्षा हैं, खुद यहाँ पर जब प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं सब कुछ सबके संज्ञान में। इसलिए मेरा यही अनुरोध है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से या दूसरे मीडियम के माध्यम से जो आप कर रहे हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हमारे घर का मामला है, हम घर में सुलझा लेंगे, आपको इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें विपक्ष की पार्टियों का हाथ है, जिसको MIM की मकबूलियत से, MIM की क्रेडिबिलिटी से दिक्कत है, जिसको MIM से दिक्कत है वही इसको फैला रहा है, बाकी किसको दिक्कत नहीं। पूरा परिवार एक है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रियासती सदर से लेकर एक आम कार्यकर्ता, मेरा भाई, मेरा मुखलिस दोस्त, मेरी बहन जो MIM के, हम सब एक है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सब एक। शुरू से ही बापरवाह इलाका रहा है, तो ऐसे में आपकी पार्टी का क्या विजन है सीमांचल के लिए? मेरा एक ही, आपकी पार्टी ने क्या कुछ किया, क्योंकि आप सीमांचल में, सीमांचल के किसान विधानसभा से एक सीट भी जीते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सवाल क्या, आप बोलिए 72 साल किसने शासन किया? जनाब तस्लीमुद्दीन साहब बरहू, अल्लाह उनको जन्नत दे, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि राजद, जदयू, कांग्रेस, भाजपा सब ने सीमांचल के साथ नाइंसाफी की। तस्लीमुद्दीन साहब का जो सपना है इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसको पूरा करेगी। महानंदा बेसिन हम प्रोजेक्ट पे लड़ाई लड़ेंगे, AMU किशनगंज पे लड़ेंगे, सीमांचल की बाढ़ समस्या पे लड़ेंगे, सुखाड़ पे लड़ेंगे, सीमांचल के लिए जो होगा हम उसके लिए तन मन धन से अपना जान तक निछावर कर देंगे। क्योंकि हमारा मानना है बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान में इतनी ताकत है कि हम अपना हक ले सकते हैं। जब मराठा आंदोलन कर सकता है, गुर्जर आंदोलन कर सकता है, जाट आंदोलन कर सकता है, तो इंशाल्लाह सीमांचल भी करेगा, सीमांचल के आवाम करेगी। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर यहीं से जाता है, यहाँ से 4 लेन भी यहीं से जाता है। हम अपने तन मन धन से सीमांचल के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे, क्योंकि सब ने हमारे साथ नाइंसाफी किया। हम पटना का मोहताज नहीं, हम दिल्ली का मोहताज नहीं, हम मोहताज है तो अपने अल्लाह का। और मैं सीमांचल के लोगों से फिर से मैं बोल रहा हूँ, जब 2015 में बैरिस्टर साहब आए थे तो आपके दिल में एक शक सूबा था, लेकिन आज वो इतना बेहतरीन लीडर आपके बीच है। आसाम के लोग चाहते हैं कि बैरिस्टर साहब आएँ, अकबर साहब आएँ, गुजरात के लोग चाहते हैं, राजस्थान के लोग चाहते हैं कि MIM आए। मैं सीमांचल के गयूर आवाम से हाथ जोड़कर बोलना चाहता हूं, आपका भाई बोल रहा है कि आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब आज सीमांचल आए हैं, बिहार आए हैं, और इतना नेक बिहार का रियासती सदर आपको मिला है, जो जिसने हर लम्हा त्याग दिया है। मिलकर आइए, सीमांचल को बना लीजिए। 72 साल सब ने आपके साथ नाइंसाफी किया, 40 साल कांग्रेस को भी आपने देखा, 15 साल राजद को भी आपने देखा, 15 साल भाजपा और नीतीश जी को भी आपने देख लिया। अगर सीमांचल का चिंता है, इस मिट्टी का कर्ज अदा करना है, इस मिट्टी का एहसान को उतारना है, इस मिट्टी के लिए कुछ करना है, तो आइए MIM के लिए अख्तर उलीमान साहब के क़यादत में पूरे सीमांचल के 24 विधानसभा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब कीजिए। और बिहार के जो दूसरे मुख्तलिफ रियासत जगह पर MIM कैंडिडेट करेगी उसको आप कामयाब कीजिए। मैं वादा करता हूँ आपको रुसवा होने नहीं देंगे, सीमांचल को भी इसका इंसाफ मिलेगा, बिहार के दूसरे जगह को भी इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। क्योंकि आज हमारे सिर पर
अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब हैं तो बिहार में एक बेबाक चेहरा अख्तर उल ईमान साहब हैं, इन तीनों की जोड़ी इंशाल्लाह ताला इंजीनियर आफ्ताब साहब का गाइडलाइन रहा तो इंशाल्लाह सीमांचल भी फतह करेंगे और बिहार भी फतह करेंगे। आरिफ साहब, अगर चुनाव की बात करें तो चुनाव की तैयारी, जैसे NDA JDU गठबंधन ने एक तरह से वर्चुअल रैली के साथ चुनाव की तैयारी शुरू कर दिया, तो ऐसे में आपकी पार्टी अभी तक कहीं कुछ हद तक जो है कहीं तक भी जो है वर्चुअल रैली ना ही ऑनलाइन संवाद इस तरह की कोई भी ये नहीं दिख रहा है एक्टिविटी, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि आप लोग चुनाव की तैयारी जो है वो कर रहे हैं या फिर लेट कर रहे हैं? सुनिए, हम लोग के लिए चुनाव इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग के लिए जान इम्पॉर्टेंट है, इंसानियत इम्पॉर्टेंट है। आज जो कोरोना का संकट पूरे बिहार, पूरे भारत, पूरे सीमांचल, पूरा कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, पूरे दुनिया में जो है ये नरेंद्र मोदी जी की नाकामी है और नीतीश जी जो टेस्टिंग फेल कर दिए, सुशील मोदी, मंगल पांडे, अश्वनी चौबे और डॉक्टर हर्षवर्धन साहब की नाकामी के चलते आज ये कोरोना फैल रहा है। मैं सीमांचल के गयूर आवाम से, बिहार की गयूर आवाम से बोलना चाहता हूँ, नीतीश जी से फिर से हाथ जोड़कर बोलना चाहता हूँ कि टेस्ट करवाइए, सीमांचल में कोविड सेंटर बनवाइए स्पेशल, यहाँ वेंटिलेटर दिलवाइए, ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवाइए, मेरी आवाम को बचा लीजिए। हम बहुत मेहनत कश लोग हैं, हम खेती भी करते हैं और हम दो दो जगह टैक्स पे करते हैं, हम दूसरे जगह जाते हैं, बॉम्बे, दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा, पंजाब जाते हैं तो वहाँ भी हम टैक्स देते हैं और यहाँ भी टैक्स देते हैं, तो हमें अपना समझिए, सीमांचल को अपना समझिए, सब ने हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया। नीतीश जी, मोदी जी, इंसानियत की बात है, आप इंसानियत का काम, हमें मदद कीजिए। और जहाँ तक इलेक्शन की बात है, हम उतना धन बल से मजबूत नहीं है, बीजेपी को अरबों रुपया चंदा आता है, कांग्रेस को करोड़ों रुपया अरबों चंदा आता है, नीतीश जी को, जदयू को आता है और दूसरी पार्टी को आता है, लेकिन हम कमजोर पार्टी हैं इसलिए मीडिया को दिखता नहीं, हमारा काम ग्रास रूट पे अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। इंशाल्लाह ताला सीमांचल का नौजवान, सीमांचल का किसान, सीमांचल का मजदूर, सीमांचल का बहन, सीमांचल की बेटी, इंशाल्लाह जो लॉकडाउन में हमने खिदमत किया और जो कमरुल हुदा साहब लगातार जनता के बीच रहे, जीतने के बाद सिर्फ 9 महीना के टेन्योर मिला लेकिन जो 4-5 महीना अभी सिर्फ हुआ है लगातार आवाम के बीच में कमरुल हुदा साहब रहे, ये बेबाक क़ियादत है बैरिस्टर साहब की, अख्तर उलीमान साहब की, अकबर साहब की, कि आज कमरुल हुदा साहब दिल जान से मेहनत कर रहे हैं। जहां कर किशनगंज के MP गायब है, किशनगंज के MP गायब थे 72 दिनों से, लेकिन हमारे MLA जनता के बीच रहे और अख्तर उलीमान साहब लगातार 24/7 जनता के बीच खड़े रहे। आज हजारों प्रवासी भाइयों को हमेशा अख्तर उलीमान साहब ने मोहब्बत, शफकत दिया और मदद किया, MIM का हर सिपाही ने मदद किया। इंशाल्लाह हम लड़ेंगे, जीतेंगे भी, लेकिन हमारे लिए इंसानियत पहले है और हम नीतीश जी से अनुरोध करते हैं कि कोविड पर ध्यान दें, टेस्टिंग कराएं और ज़रूर वर्चुअल रैली और ऑनलाइन वो हो रहा है लेकिन हमारे पास वो रिसोर्स नहीं है जो आपको दिख रहा नहीं है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको भी दिखे और इंशाल्लाह आपसे दुआ भी है सोशल मीडिया के माध्यम से, इसकी आदत को मजबूत कीजिए तभी सीमांचल मजबूत होगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव एक्सटेंशन को लेकर के बड़ी बात कही है, उन्होंने कहा है कि चुनाव ना हो तो बेहतर हो, तो ऐसे में आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, आपका इसमें क्या नज़रिया है? जहाँ तक मेरे पार्टी के रियासती सदर इंजीनियर, रियासती सदर अख्तर उलीमान साहब और पार्टी के इंजीनियर आफ्ताब साहब जनरल सेक्रेटरी, जहाँ तक मेरी जो चर्चा हुई थी, तो हम लोग तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं, हम लोग इलेक्शन में जब करा ले हम तैयार हैं, लेकिन हाँ प्राथमिकता नीतीश जी को, भारत सरकार को कोविड टेस्टिंग और सोशल डिस्टेंसिंग जो जो नियम होना चाहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डरती नहीं है, चुनाव के लिए भी तैयार है जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगे, लेकिन आवाम का ख्याल रखना प्राथमिकता होना चाहिए। मेरे वोटर का, मेरे आवाम का, जो वोट नहीं भी देंगे, जो 18 साल से कम भी हैं, जो सीनियर सिटीज़न है, उसका ख्याल रखिए। इलेक्शन के लिए कोई हम पीछे नहीं हटने वाले, इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं, लेकिन मेरी आवाम उससे पहले उसको आप हिफाजत कीजिए, सुरक्षा दीजिए, सेफगार्ड कीजिए। आप जब इलेक्शन कमीशन चाहता है इलेक्शन कराए, हम उसके लिए पीछे हटते नहीं, लेकिन आवाम मेरी प्राथमिकता है। मैं मंगल पांडे जी को बोलना चाहता हूँ, आपके चलते हेल्थ सेक्रेटरी साहब का ट्रांसफर हुआ था, मैं नीतीश जी से अनुरोध करता हूँ कि नीतीश जी आप या नहीं तो हेल्थ मिनिस्टर को हटाइए, नहीं नया हेल्थ मिनिस्टर लाइए ताकि वो काम करे, क्योंकि सीमांचल अगर निगलेक्ट हुआ तो मंगल पांडे जी हेल्थ मिनिस्टर साहब सीमांचल में आपको घुसने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। याद रखिए मेरी आवाम के साथ, चाहे बहादुरगंज की आवाम हो, चाहे रानीगंज की हो, चाहे सिकटी पलासी की हो, चाहे बलरामपुर बारसोई आबादपुर बिघोर की हो, चाहे बरारी की हो, मनिहारी की हो, मनसाही की हो, नरपतगंज की हो, कदवा परानपुर की हो, मेरी आवाम के साथ नाइंसाफी हुआ, उसको अगर स्वास्थ्य में लाभ नहीं मिला तो हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम आंदोलन करेंगे, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में हमें ताकत दिया है, हम रोड पर, हम लॉकडाउन तोड़ के मजबूरी में हमें आना पड़ेगा। लेकिन नीतीश जी से अनुरोध है कि नीतीश जी इस बात को समझे और जिला प्रशासन का भी हम शुक्रगुजार हैं, तमाम DM साहब का, तमाम SP साहब का, तमाम जो ब्लॉक में BDO साहब, SDO साहब, DSP साहब, ASP साहब, तमाम पुलिस पदाधिकारी, हेल्थ स्टाफ,
इमरजेंसी सेवा का शुक्रगुजार है, जो आपने किया वो सरकार ने नहीं किया, वो नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया, वो नीतीश जी ने नहीं किया, वो सुशील मोदी ने नहीं किया, वो मंगल पांडे ने नहीं किया, वो अश्वनी चौबे ने नहीं किया, वो डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने नहीं किया, लेकिन आप लोग ने किया और सामाजिक कारकुनों ने किया, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाहियों ने किया। मैं तमाम लोगों का या दूसरी पार्टी का जिसने भी किया, हम उनका शुक्रगुजार हैं कि आपने इस इलाके को महफूज रखा है। आप लगे रहिए, इंशाल्लाह अल्लाह की मदद आएगी। और बहुत बड़ी खुशखबरी कल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आई है कि जो ट्रायल है वो बहुत सक्सेसफुल फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज हो गया है। उम्मीद है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, उस रब से भीख मांग रहे हैं कि या अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्दी से कोविड का खात्मा कर दे, जल्दी से इस कोरोना का खात्मा करके जल्दी से हिंदुस्तान को फिर से रफ्तार में ला दे, बिहार को ला दे, सीमांचल को ला दे, बलरामपुर, बारसोई, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कोचा दमन, ठाकुरगंज, बहादुरगंज, नरपतगंज, रानी, जोकी, बरपोकर, सबको फिर से ला दे, फिर से वतन अजीज को फिर से बुलंदी पे लाए, फिर से देश को, दुनिया को तरक्की पे लाए, क्योंकि कोविड का खात्मा कर दे। गरीबों पर जो जुल्म हो रहा है लॉकडाउन के चलते, जो उनके फेरी वाले हैं, जो बेचारे खुदरा विक्रेता हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो बेचारा किसान है, मजदूर है, टेम्पो चलाने वाला है, फल बेचने वाला है, अमरूद बेचने वाला है, उसके साथ जो परेशानी हो रही है, अल्लाह अपने हबीब के सदके में अल्लाह मदद कर, अल्लाह तुझसे भीख मांग रहे हैं, अल्लाह रहम कर, अल्लाह रहम कर, अल्लाह रहम कर। यही मेरी दुआ है अपने रब से, अपने हबीब के सदके में अल्लाह बुरहानुद्दीन के फैज़ में अल्लाह बेहतर कर दे, हिंदुस्तान को फिर से उसी बुलंदी पर ले आए, फिर से सरकार को भी एहसास कराए कि टेस्टिंग कराए और फिर से बेहतर हेल्थ व्यवस्था होकर अच्छा हो, लोग में अमन तरक्की हो और फिर से वतन अजीज़ हिंदुस्तान अपनी बुलंदी पर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।